Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. ये वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नैपसैक प्रॉब्लम का नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर नैपसैक प्रॉब्लम, और हमें क्वेश्चन में मेंशन है n इक्वल टू 7 जो कि है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू, और m इक्वल टू 16 तो जो है कैपेसिटी. तो हम आगे में देखेंगे आपको ये कैपेसिटी कहाँ पर यूज़ करनी है. उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन में दिया है p की वैल्यू और w की वैल्यू, जिसमें से p की वैल्यू जो है वो है प्रॉफिट की वैल्यू जो है टेबल में आपको मेंशन करना है PI में, और नेक्स्ट है W की वैल्यू जो आपको लिखनी है WI के लिए जो है मिनिमम वेट. सबसे पहले हम सारी वैल्यूज टेबल में पुटअप कर देंगे. सबसे पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि क्वेश्चन में मेंशन है 7. तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में टोटल ऑब्जेक्ट्स मेंशन करना है 1 to 7. उसके बाद हमें दी है m की वैल्यू, तो m की वैल्यू जो है वो है कैपेसिटी इक्वल टू 16. उसके बाद है p की वैल्यूज़, तो आपको PI में मेंशन करना है. सबसे पहले है 10, उसके बाद है 15, नेक्स्ट है 12, 4, 6, 16 और लास्ट में है 8. उसके बाद है फिर WI की वैल्यू, तो आपको लिखना है यहाँ पे कंप्लीट सीरीज जो कि है सबसे पहले 2, 4, 5, 4, 2, 3, 3, और इसके बाद आपको इसका रेशियो निकालना है जो है PI/WI. तो सबसे पहले आपको इसका रेशियो मिलेगा 5, और नेक्स्ट PI/WI करते हो तो आपको इसकी रेशियो की वैल्यू मिलेगी 3.75, और नेक्स्ट है 12/15 तो इसकी आपको वैल्यू मिलेगी 2.4, और नेक्स्ट है 4/4 तो इसकी आपको PI/WI की वैल्यू मिलेगी 1, और नेक्स्ट है 6/2 तो इसका आपको रेशियो मिलेगा 3, और नेक्स्ट है 16/3 तो इसके आपको रेशियो की वैल्यू मिलेगी 5.33, और नेक्स्ट है 8/3 तो इसके आपको वैल्यू मिलेगी 2.66. और आपको ये सारी वैल्यू यूज़ करनी है, और आपको ये क्वेश्चन तीन अप्रोच से सॉल्व करना है. तो सबसे पहली मेथड है मेथड 1 जो कि आपको लिखना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि है PI. तो आपको टेबल में देखनी है PI की वैल्यू, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू से जाना है टुवर्ड्स मिनिमम वैल्यू. तो देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है ऑब्जेक्ट नंबर 16, और इसकी PI की वैल्यू है 16. यानी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो यूज़ करना है वो है 6. तो देखिए सबसे पहले हम ये ब्लैंक छोड़ेंगे फर्स्ट लेवल, और देखिए यहाँ पे आपको दी है कैपेसिटी, तो आपको रिमेनिंग वेट में सबसे पहले लिखना है यहाँ पे 16. इसके बाद आपको सबसे पहले यूज़ करना है ऑब्जेक्ट नंबर 6 जिसकी PI की वैल्यू है 16. तो सबसे पहले आप यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट 6, प्रॉफिट की वैल्यू है 16, और उसकी WI की वैल्यू है 3, और इसके बाद आपको करना है 16-3 तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 13. तो अभी हमारा रिमेनिंग वेट है 13. अब देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट PI की वैल्यू कौन सी है, वो है 15, और वो है ऑब्जेक्ट नंबर 2. यानी आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो इंसर्ट करना है वो है 2, और उसकी PI की वैल्यू है 15, और उसकी WI की वैल्यू है 4. यानी आपको यहाँ पे करना है 13-4 तो आपको वैल्यू मिलेगी 9. उसके बाद है नेक्स्ट हाईएस्ट PI की वैल्यू, तो देखिए 15 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है वो है 12, और उसका ऑब्जेक्ट नंबर है 3. आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो इंसर्ट करना है वो है 3, और उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 12, वेट की वैल्यू है 5, और फिर आपको करना है 9-5 तो आपको वैल्यू मिलेगी 4. तो अभी हमारे पास रिमेनिंग वेट है 4. और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट PI की वैल्यू, तो वो है 10, और वो है ऑब्जेक्ट नंबर 1. एंड आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है ऑब्जेक्ट 1, और प्रॉफिट की वैल्यू है 10, वेट की वैल्यू है 2, और फिर आपको यहाँ पे करना है 4-2 = 2. एंड अभी हमारे पास रिमेनिंग वेट है 2. अब देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट PI की वैल्यू, तो यहाँ पे नेक्स्ट हाईएस्ट PI की वैल्यू है 8, और ऑब्जेक्ट नंबर है 7. पर देखिए यहाँ पे उसकी वेट की जो वैल्यू है वो है 3, और अभी हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है 2. तो देखिए तो आपको यहाँ पे इस केस में आपको इसका यूज़ करना है रेशो. तो देखिए अभी हम सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 7, और आपको यहाँ पे एक पार्शियल प्रॉफिट निकालना है यूज़ करके उसका रेशियो.
तो देखिए आपको ये रिमेनिंग वैल्यूज करना है 2 × 2.66, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 5.32। और फिर वेट में आपको ये रिमेनिंग वेट यूज़ करना है जो कि है 2, और फिर आपको यहाँ पे करना है 2 − 2 = 0। आपको हमेशा लास्ट स्टेप में लाना है 0। सेम इसी तरह से आपको ये मेथड और ये मेथड में भी आपको इसी तरह से इसका आंसर लाना है। और इसके बाद फिर हम ये टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फिर आपको लिखना है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 58.32। इसके बाद है फिर मेथड 2, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मिनिमम वेट जो कि है डब्ल्यू आई। तो आपको ये स्टेप में डब्ल्यू आई की वैल्यू यूज करनी है, तो आपको स्मॉलर वैल्यू से स्टार्ट करना है और आपको जाना है टुवर्ड्स हायर वैल्यू। तो देखिए इसमें सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है 2। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू 2 है, एक तो ऑब्जेक्ट है 1 और सेकंड है 5। तो अभी आपको ये सीरियली जाना है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो पहले की तरह ही आपको पहला कॉलम ब्लैंक छोड़ना है और आपको यहाँ पे रिमेनिंग वेट लिखना है 6, क्योंकि हमें यहाँ पे कैपेसिटी दी हुई है 16। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे 1, और उसके प्रॉफिट की वैल्यू है 10, और उसके हमें वेट की वैल्यू दी है 2, और फिर आपको यहाँ पे करना है 16 − 2, तो आपको वैल्यू मिलेगी 14। और नेक्स्ट वैल्यू आपको यूज़ करनी है 5, क्योंकि इसके डब्ल्यू आई की वैल्यू भी है 2। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करोगे 5, उसकी पी आई की वैल्यू है 6, वेट है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 − 2, तो आपको रिमेनिंग वेट मिलता है 12। अब देखिए नेक्स्ट हाइस्ट वेट, तो 2 के बाद नेक्स्ट हाइस्ट वेट है 3, और यहाँ पे फिर से दो ऑब्जेक्ट्स है 6 और 7। तो यहाँ पे भी हम सीरियली जाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे 6। तो ऑब्जेक्ट नंबर 6, उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 16 और हमें वेट दिया है 3। फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 − 3, तो आपको वैल्यू मिलती है 9। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है 7 और उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 8, वेट की वैल्यू है 3, और 9 − 3 आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 6। इसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हाइस्ट वेट, तो यहाँ पे है 4। फिर से यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है 2 और 4, जिसकी डब्ल्यू आई की वैल्यू है 4। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे 2, तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे 2, और उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 15, वेट दिया है हमें 4, तो 6 − 4 यहाँ पे हो जाएगा 2, एंड अभी हमारे पास रिमेनिंग वेट है 2। इसके बाद आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट नंबर 4, पर देखिए यहाँ पे डब्ल्यू आई की वैल्यू ग्रेटर है रिमेनिंग वेट से, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचा है 2। तो सेम यहाँ पे भी आपको इसका रेशियो यूज़ करना है जैसे हमने ये मेथड में यूज़ किया था, तो इसकी रेशियो की वैल्यू है 1। तो अभी आप इंसर्ट करोगे ऑब्जेक्ट नंबर 4, और आपको प्रॉफिट में यूज़ करनी है रिमेनिंग वेट की वैल्यू जो कि है 2, और इनटू आपको करना है रेशियो, तो यहाँ पे वैल्यू है 1, तो आपको प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी 2। सेम वेट में आपको यही वैल्यूज़ करनी है 2, तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा 2 − 2 = 0। इसके बाद फिर हम ये टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी 57। इसके बाद है मेथड 3, और आपको यहाँ पे यूज़ करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम रेशो, यानी इसमें आपको सबसे हाईएस्ट रेशो से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आएगा पी आई बाय डब्ल्यू आई। तो सेम इसी में भी आपको पहला कॉलम ब्लैंक छोड़ना है और आपको यहाँ पे लिखना है रिमेनिंग वैल्यू 16। अब देखिए सबसे हाईएस्ट रेशो कौन से ऑब्जेक्ट का है, तो देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेशो है 5.33 और वो है ऑब्जेक्ट नंबर 6। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है 6, और उसकी पी आई की वैल्यू है 16, और हमें वेट दिया है 3, तो यहाँ पे आपको करना है 16 − 3, तो आपको वैल्यू मिलेगी 13, यानी अभी रिमेनिंग वेट रहेगा 13। इसके बाद नेक्स्ट हाइस्ट रेशो है 5, इन आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है 1, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1, उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 10, वेट हमें दिया है 2, तो यहाँ पे 13 − 2, तो आपको रिमेनिंग वेट मिलेगा 11। और इसके बाद फिर नेक्स्ट हाइस्ट रेशो है 3.75, और वो है ऑब्जेक्ट नंबर 2,
तो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है ऑब्जेक्ट टू, प्रॉफिट की वैल्यू दी है 15, वेट हमें दिया है 4, तो 11 माइनस 4 तो आपको वैल्यू मिलेगी 7। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट रेशो, क्योंकि हमें हाई से लो जाना है, 3.75 के बाद आती है वैल्यू 3, तो वो है ऑब्जेक्ट नंबर 5, एंड आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है 5, और उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 6, वेट हमें दिया है 2, तो 7 माइनस 2 तो आपको वैल्यू मिलेगी 5। अब देखिए तो 3 के बाद नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू है 2.66, और वो है ऑब्जेक्ट नंबर 7, नेक्स्ट आपको इंसर्ट करना है ऑब्जेक्ट नंबर 7, और उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है 8, वेट है 3, तो आप 5 माइनस 3 करोगे तो आपको रिमेनिंग वेट मिलता है 2। ये ऑब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट लोएस्ट रेशो है 2.4, और वो है ऑब्जेक्ट नंबर 3, पर यहाँ पे फिर से वेट की वैल्यू हायर है रिमेनिंग वेट से। तो देखिए सबसे पहले आपको पहले लिखना है यहाँ पे 3, ये ऑब्जेक्ट की आपको यूज़ करनी है इसकी रेशियो की वैल्यू जो है 2.4, तो ये भी हम रिमेनिंग वेट यूज़ करेंगे प्रॉफिट में जो कि है 2, और मल्टीप्लाई करेंगे विथ रेशियो 2.4 तो आपको वैल्यू मिलेगी 4.8, और वेट में आपको सेम रिमेनिंग वेट यूज़ करना है, फिर आपको वैल्यू मिलेगी 2 - 2 = 0। और फिर हम इसका टोटल प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलती है 59.8। इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है इसका कंक्लूजन, तो आपको कंक्लूजन में मेंशन करना है कि आपको तीनों मेथड में से सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन से मेथड में मिला है। तो यहाँ पे देखिए मेथड है थर्ड, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट अप्रोच मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट बाय रेशो, यानी क्योंकि हमें सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मिला है PI/WI से, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट बाय रेशो, दैट इज प्रॉफिट बाय रेशो इज द बेस्ट मेथड। तो आपको नैपसैक के एग्जांपल आपको इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो से हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल ये खत्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।